होतारू के एवरेस्ट हाई स्कूलर है जो अभी भी हाई स्कूल में एडमिशन ली है। उसकी नजर में ये दुनिया इतना सीधा और आसान नहीं है। वो अपने इस मौतों के साथ जीता है कि उसे जिस भी चीज को करने की जरूरत नहीं है वो उसे नहीं करता, और जिस भी चीज को करने की जरूरत है वो इस चीज को इस तरह से करता है कि उस काम से उसकी कम से कम एनर्जी जाए। वो मॉडर्न जापान में अपनी फैमिली के साथ रहता है और वो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है क्योंकि उसे एनर्जेटिक लाइफ जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज उसके स्कूल का पहला दिन है और उसने ये डिसाइड कर लिया है कि वो अपने स्कूल के पूरे साल को अकेला ही बिताएगा और अपनी एनर्जी को कम से कम स्पेंड करने के लिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो लास्ट में उसे कोई भी रिजल्ट ना दे। स्कूल के अंदर आते हैं उसे बहुत सारे हाई एनर्जी वाले स्टूडेंट नए स्टूडेंट को अपने क्लब में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करते हुए मिलता है, लेकिन वो सीधा उनके बीच से निकल के अपने शू को शू कभी में डाल के अपने क्लास की तरफ चला जाता है, जहां वो मिलता है अपने एकलौते फ्रेंड सातोशी से। और सातोशी अकेला है जिसे वो जानता है और वो उसकी मौतों के बारे में भी जानता है कि वो कैसे जितना चाहे उतनी एनर्जी को बचाने के लिए चीजों को बस बहुत जल्द निपटाना चाहता है। तो वो उसे हाई स्कूल में करने के लिए बहुत सारी चीजें बताता है, बट वो उन सब के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो वो उसे पूछता है कि वो आखिर स्कूल में अभी तक क्यों है, क्योंकि स्कूल खत्म होते ही वो बहुत ही जल्द घर चला जाता है। तब होता उसे एक लेटर दिखाता है, तब सातोरू उसे खोल के देखता है कि वो लेटर उसकी बहन ने दी है जो अभी इंडिया में किसी काम से आई हुई है। और वो वहाँ होता को उनकी स्कूल की क्लासिक लिटरेसी क्लब में ज्वाइन होने कहती है क्योंकि वहाँ ज्यादातर स्टूडेंट ज्वाइन नहीं होते। वहाँ वो लिखती है कि हर साल स्टूडेंट का नंबर कम होता चला आया है जो उस क्लब में ज्वाइन करना चाहता है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो क्लब बहुत ही जल्द बंद हो जाएगा। तो वो कहती है कि वो क्लासिक लिट क्लब के साथ कोई स्पेशल कनेक्शन रखती है, तो इस वजह से वो उसे ज्वाइन करके उस क्लब को बंद होने से बचाने कहती है। और क्योंकि होता अपनी बहन से बहुत ही प्यार करता है तो वो उसे मना नहीं कर पाता, और वो वहाँ पे ये भी लिखती है कि अगर वो वहाँ ज्वाइन भी कर ली तब भी उसे कोई भी मुश्किलें नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे भी वहाँ कोई भी ज्वाइन नहीं करता, तो अगर वो ज्वाइन हो गया तो उसके हाई स्कूल के पूरे साल के लिए वो क्लासरूम उसके अकेले का होगा। ये देख के होता खुश होता है क्योंकि उसे वहाँ किसी से भी बात करके अपनी एनर्जी को खत्म नहीं करना पड़ेगा। तो वो सातोशी को गुड बाय कहकर स्टाफ रूम से साबी लेता है और फिर वो अपने क्लब की तरफ जाके देखता है कि वो तो स्कूल की बहुत ही अंदर है जहाँ ज्यादातर लोग नहीं जाते, और ये देख के उसे और भी अच्छा लगता है। तो वो साबी डाल के दरवाजे को खोल के अंदर चला जाता है और तभी उसे वहाँ पे एक काली बालों वाली लड़की मिलता है जो खिड़की से बाहर देख रही है। वो उसे देखते ही उसकी तरफ आके अपनी इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम है ईरू। वो उसे कहती है कि वो हातुरु को पहले से ही जानती है क्योंकि वो लोग ओरिएंटेशन में एक साथ थे। ये बात सुनकर हातुरु हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट थे और उसने ईरू को वहाँ नोटिस ही नहीं किया था। वो उसे कहती है कि वो इस क्लब में अपने पर्सनल मैटर की वजह से ज्वाइन की है और उसे पूछती है कि क्या उसने भी इस क्लब में ज्वाइन की है। तब हातुरु मना करता है क्योंकि अब क्लब में एक मेंबर है तो उसे क्लब को बचाने के लिए यहाँ ज्वाइन करना नहीं पड़ेगा। तो वो मुड़के वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि जाने से पहले वो रूम को लॉक करके जाए, लेकिन वो कहती है कि वो दरवाजे को लॉक नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास साबी नहीं है। तब होतारू उसे कंफ्यूज होकर देखता है और फिर वो अपनी पॉकेट से साबी को देके पूछता है कि अगर उसके पास साबी नहीं थी तो उसने भला अपने आप को कैसे लॉक करी। फिर ईरू भी उसे कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या दरवाजा लॉक था। तो होतारू रियलाइज करता है कि उसे पता ही नहीं थी कि वो कमरे में बंद थी, और अब ईरू क्यूरियस होकर उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक्साइटेड हो जाती है कि वो दरवाजा कैसे लॉक हो सकता है जबकि उसके पास साबी ही नहीं थी। तभी सातोशी भी हारुतो को देखने आता है और आते ही वो भी इस मिस्ट्री में घुस जाता है, लेकिन होतारू को इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। पर तभी वो लड़की उसके हाथ में पकड़ के उसे मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उसी टाइम में होतारू बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि आज तक उसने ऐसा कभी भी फील नहीं किया था। तो फिर वो उसे पूछता है कि क्या उसने आसपास कुछ अजीब सी चीज नोटिस करी थी। तब वो कहती है कि हाँ, उसने कुछ आवाज सुनी थी, तभी उन्हें ध्यान लगा कि सुनने में वो साउंड सुनाई देता है। तो वो लोग जल्दी से वहां पे जाते हैं और वहां जाते हैं वो देखते हैं कि वो तो स्कूल की जनरेटर है जो अपने काम करने के बाद स्कूल के दरवाजे को बंद कर रहा है। तो तब वो लोग रियलाइज करते हैं कि शायद जनरेटर ने उस रूम को लॉक किया था क्योंकि उसे शायद पता नहीं था कि ईरू उस कमरे में हो सकती है क्योंकि वो रूम काफी ज्यादा दूर था। जिसके बाद ईरू खुश होती है कि वो सब इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए। फिर वो सब एक साथ सुकुबी में आते हैं जहां ईरू सातोशी को उसकी क्लब में ज्वाइन होने के लिए पूछती है, और सातोशी बहुत सारे क्लब में ज्वाइन होने के बाद भी उसके साथ ज्वाइन करता है। तभी होतारू उसे कहने की कोशिश करता है कि वो ज्वाइन नहीं करने वाला, पर तभी ईरू से फिर से उसके हाथ में पकड़ के उसे रिक्वेस्ट करती है, और इस बार भी होतारू उसकी बातों पर फिसल के अपनी एप्लीकेशन को उसे दे देता है, और तब जाके वो इस क्लब का ऑफिशियल मेंबर बनता है। फिर अगले दिन होतारू स्कूल में आता है, और जब स्कूल खत्म होता है तब उसे स्कूल में ही रह के एक ऐसे लिखना पड़ता है क्योंकि आज वो अपना होमवर्क करना ही भूल गया था। तब सातोशी उस पर हंसने लगता है कि उसने अपने होमवर्क भी नहीं करी, लेकिन हातोरू कहता है कि वो अपनी होमवर्क को लाना भूल गया था। उसके बाद सातोशी उसे एक स्कूल की मिस्ट्री के बारे में सुनाने लगता है, जहां वो कहता है कि सुबह सुबह एक लड़की अपने क्लासरूम में आ रही थी और तब बारिश हो रहा था, लेकिन ऊपर आते ही वो बहुत ही प्यारी पियानो की आवाज सुनती है जो म्यूजिक रूम से आ रही थी। वो म्यूजिक रूम बहुत ही अंधेरा था, और जैसे ही वो जाके दरवाजे को खोल के
के देखी थी तब वो ये देख के बहुत ही डर गई थी कि पियानो में कोई भी नहीं बैठा हुआ और वो म्यूजिक अभी भी बज रही है। तो उसके दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और तभी म्यूजिक खत्म होने आता है और जैसे म्यूजिक खत्म होता है तभी एक अजीब सा आवाज आके फ्लोर से एक बॉडी निकलता है जिसका आंखें लाल और बाल चारों तरफ बिखरा हुआ है। उसे देख के वो खड़ी ही नहीं हो पाती बट किसी तरह से वो अपने आप को संभाल के वो जितनी भी तेज दौड़ सकती है वो दौड़ के वहां से निकल आती है। ये कहानी खत्म करके सातोशी होतारो की तरफ देखता है और होतारो उसकी कहानी को ज्यादा ध्यान ना देके फिर से अपनी ऐसे को लिखना शुरू करता है। तभी वो पूछता है कि क्या ये कहानी पूरे स्कूल में फेमस हो गया है। तब सातोशी कहता है कि ये बहुत ही बड़ी बात है। तो वो बहुत ही जल्द ऐसा फील करता है कि इरो से आके इस मिस्ट्री को सॉल्व करने कहने वाली है। तो वो सातोशी को एक मिस्ट्री क्लब के बारे में कहानी बनाने दे के पेपर के टुकड़े में कुछ लिखने लगता है। उसके बाद इरो ठीक टाइम में आ जाती है और उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने म्यूजिक रूम की मिस्ट्री के बारे में सुनी है। लेकिन होतारो उसके बात को काट के कहता है कि सातोशी उसे एक बहुत ही फेमस मिस्ट्री के बारे में कहने वाला है। तो वो बहुत ही जल्द उनकी बातों में आ जाती है। तो सातोशी एक सीक्रेट क्लब के बारे में एक कहानी बताता है जिसका नाम है स्पाइडर क्लब। इस क्लब के बारे में स्कूल में बहुत से कम लोगों को पता है और ऐसा कहा जाता है कि वो क्लब हर साल अपने क्लब के बारे में स्कूल की नोटिस बोर्ड में पोस्टर लगाता है लेकिन स्कूल की कुछ ही लोग उसको ढूंढ पाते हैं। तो इरो बहुत ही जल्द एक्साइटेड होकर उनसे मदद करने के लिए पूछती है और ठीक टाइम में होतारो अपने ऐसे को खत्म करके कहता है कि हाँ वो उसकी मदद करेगा। तभी वो लोग उस फ्लोर की नोटिस बोर्ड में जाके देखते हैं लेकिन वहां उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब हतुरु उन्हें ग्राउंड फ्लोर की नोटिस बोर्ड में जाके देखने कहता है और वहां जाके वो लोग देखते हैं कि वो नोटिस बोर्ड तो पूरी तरह से पोस्टर से भरा हुआ है। वो नोटिस बोर्ड बिल्कुल वॉर जोन जैसा दिखता है क्योंकि स्कूल के सभी क्लब अपने बारे में पोस्टर बना के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है। तो वो लोग वहां पे ढूंढने लगते हैं बट उन्हें वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन लास्ट में होतारो उन्हें एक पोस्टर के नीचे दिखाता है जहां उन्हें उस स्पाइडर क्लब की सूती से एक पोस्टर मिलता है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करके इरो इतनी खुश नहीं होती क्योंकि इस मिस्ट्री में बहुत सारे लूपहोल्स है लेकिन क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था तो वो लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। और जब सातोशी और होतारो एक साथ घर जाने लगता है तब वो उसे पूछता है कि उसने वाला एक चूतमूत की कहानी बना के खुदी पोस्टर के नीचे उसे चिपका के क्यों ऐसा दिखाया कि उसने उस मिस्ट्री को सॉल्व किया। तब होतारो कहते हैं कि वो बस म्यूजिक रूम में नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो रूम उनके रूम से काफी दूर है। तब सातोशी उसे हंसते हुए पूछता है कि तो क्या उसे म्यूजिक रूम की मिस्ट्री के बारे में पता है। तब होतारो उसकी तरफ देख के कहता है कि म्यूजिक रूम में हमेशा कोई बहुत ही पेशेंट स्टूडेंट रहता है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को म्यूजिक के नाम ही कर दी है। उन लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो लोग म्यूजिक रूम के अंदर ही सोते हैं ताकि वो अपने टाइम को उसके अलावा किसी में वेस्ट ना करे। तो वो खिड़की को बंद करके उसी रूम में सोई जहां उसने एक सीढ़ी को एज ए अलार्म चलाया ताकि म्यूजिक खत्म होने के बाद उसे पता चले कि उसकी उतने का टाइम हो गई है। इसी वजह से उस लड़की को दरवाजा खोलने के देखने पर किसी को भी नहीं दिखी थी और म्यूजिक खत्म होते ही उस लड़की को लाल आंखों के साथ जागते हुए देखी जो उसकी कम सोने की वजह से हुई थी। इससे डर के वहां से वो लड़की भाग गई। तब सातोशी उसकी तरफ देख के कहता है कि उसकी ये एनर्जी बचाने वाले टेक्निक एरी की वजह से काम नहीं करने वाले क्योंकि वो अकेली है जो उससे काम में लगा सकती है। तो फिर वो दोनों अलग अलग होकर अपने अपने घर चले जाते हैं और अब उस घटना को हुए एक महीने से ज्यादा बीत गए हैं और हथौरों को अपनी न्यू रूटीन की आदत भी बहुत ही जल्द पड़ जाता है। ज्यादातर टाइम वो कोई भी कंप्लेन नहीं करता क्योंकि उसे सिर्फ वहाँ अपने क्लास खत्म होने के बाद ही जाके बैठ के अपने किताब को शांति से पढ़ सकता है और उसे तब बहुत ही अच्छा लगता है जब इरो उससे कोई भी बातें नहीं करती और बस अपनी किताब को पढ़ती रहती है। और उसने एक बहुत ही क्यूट आदत बना ली है जहाँ वो आते ही होतारो को अपनी होममेड कुकीज खाने के लिए देती है। लेकिन एक दिन जब वो चाय पीते पीते अपनी किताब को एंजॉय कर रहा था तभी इरो उसके पास आके कहती है कि उन्हें क्लब में इस तरह से नहीं रहना चाहिए। होतारो उसे देख के कहता है कि बैठ जाओ और अपनी एनर्जी को ऐसे यूजलेस काम में खत्म मत करो। लेकिन इरो कंप्लेन करते रहते हैं कि उनकी क्लब में वो लोग कुछ भी फन नहीं करते। तो होतारो कहता है कि ये एक लिटरेचर क्लब है, कुछ स्पोर्ट्स क्लब नहीं कि वो एक्टिविटीज करेंगे। लेकिन फिर वो कहती है कि उन्हें आने वाले स्कूल फेस्टिवल के लिए कुछ प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन होतारो उससे कहता है कि उसे स्कूल फेस्टिवल में कुछ भी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब इरो कहती है कि वो ये बात नहीं सुनना चाहते कि वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो होतारो उसे फेस्टिवल में दूसरे क्लब की तरह कोई दुकान खोलने के बारे में कहता है बट इरो उसके लिए मना करके कहती है कि लिटरेचर क्लब के हर साल के मेंबर्स फेस्टिवल के लिए एक एंथोलॉजी बनाते हैं तो उन्हें भी यही करना चाहिए। लेकिन होतारो उसे मना करके कहता है कि उन्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे उसकी बहुत सारी एनर्जी खत्म हो जाए। तो उन्हें ऐसा काम करना चाहिए जिसको करने में आसान हो। लेकिन इरो उसके लिए जिद करती रहती है और उसे पूछती है कि क्या आसान है, कि हर दिन उसकी जिद को सुनते रहना या फिर एंथोलॉजी बनाना। तो होतारो को उसके लिए मानना पड़ता है क्योंकि वो उसे मना नहीं सकता। तो फिर वो उसे पूछता है कि क्या उसे पता है कि एंथोलॉजी कैसे बनाया जाता है। तब वो कहती है कि नहीं, वो नहीं जानती। तो वो उससे पूछता है कि वो उसे कैसे बनाएगी अगर उसे पता ही नहीं कि उसे कैसे बनाते हैं। तब इरो जवाब देती है कि उन्हें सिर्फ पहले वाले एंथोलॉजी को ढूंढनी है जिसे देख के वो लोग आइडिया ले सकते हैं। तो हारुतो उसे बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो उसे बहुत ही काम करवा रही है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि इरो इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो वो लोग पूरे रूम में ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो तब होतारो बैठ जाता है लेकिन इरो कहती है कि उनकी खोज अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो फिर वो उसे पकड़ के लाइब्रेरी में ले जाती है क्योंकि शायद उन्हें वहां कुछ मिल सकता है। लाइब्रेरी में जाते ही वो तो
दोनों काउंटर में एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है इबारा। जो होतारो को देखते ही कहती है कि वो भला यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ उसकी काम की कोई भी चीज नहीं है। तो वहीं पे होतारो भी उसको रोस्ट कर देता है कि क्या उसे पढ़ाई करने भी आता है जो उसे यहाँ काम मिला है। तब वो उसे बहुत ही गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी सतोशी वहाँ आ जाता है और उसके आते ही इबारा का टेम्पर बहुत ही जल्द चेंज हो जाती है, जिसे देख के इरू कंफ्यूज होकर होतारो से पूछती है। तब वो उसे कहता है कि इबारा मिडिल स्कूल में सतोशी को लाइक करती थी। फिर सतोशी उनसे पूछता है कि वो दोनों वहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब होतारो कहता है कि इरू ने इसे यहाँ जोर जबरदस्ती ले आई है। तब उसके ऊपर हंस के वो इबारा और इरू दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है और तब इरू डायरेक्ट पॉइंट में आती है कि क्या वो किसी इलीट क्लब की एंथोलॉजी को वहाँ देखी है। तब वो होतारो की तरफ देख के पूछती है कि उसके जैसा लूजर भला किसी सिग्मा की तरह किसी क्लब में क्या सच में ज्वाइन हुआ है। तब वो उसे चुप होने को कहता है और इबारा और इरू को कहती है कि उसने लाइब्रेरी में उसे कभी भी नहीं देखी, बट हो सकता है कि शायद वो कहीं परा हो। तो इरू से पूछती है कि क्या वो लोग परे हुए चीजों को देख सकते हैं। तब वो जवाब देती है कि सिर्फ लाइब्रेरी नहीं, उनको इसके लिए परमिशन दे सकती है। उनके बातों को सुनकर होतारो अपने सबर को खो के वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इरू से रोक लेती है क्योंकि उसने कसम खा ली है कि वो उसे काम करवा के ही छोड़ेगी। वो कहती है कि वो लाइब्रेरियन के आने तक वेट करेगी। फिर जब वो दोनों उसके लिए लड़ने लगते हैं, तब सतोशी उनके आगे इबारा को उस मिस्ट्री के बारे में कहने देता है जो वो उससे कह रही थी। तब होतारो सोचता है कि वो अब यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाएगा। फिर इबारा अपनी कहानी सुनाने लगती है कि उसने नोटिस करी है कि एक किताब लाइब्रेरी में हर फ्राइडे को लंच ब्रेक के बाद कोई ले जाता है और उसी दिन स्कूल खत्म होने के बाद वो उसे लौटा भी देते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि वो उस किताब को एक हफ्ते तक अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन जो भी उस किताब को ले जाते हैं वो शाम को ही लौटा देता है। तो इरू उस किताब को दिखाने को पूछती है और इबारा उसे दिखाती है। उस किताब की कवर बहुत ही खूबसूरत लेदर से बना है और वो किताब उनके स्कूल की हिस्ट्री के बारे में है, लेकिन होतारो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो बस अपनी ही किताब को पढ़ता रहता है और वो बस जल्दी से एंथोलॉजी के ढूंढ के वो अपने घर जाना चाहता है, लेकिन इरू उसे इसके लिए सोचने में प्रेशर देने लगती है। तो उसे देख के वो कहता है कि शायद ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि शायद कोई इसे अपने फ्री टाइम में पढ़ना पसंद करता है। लेकिन इबारा उन्हें दिखाती है कि उस बुक को कोई एक नहीं बल्कि हर बार अलग अलग लोग ले जाते हैं। तो इसी वजह से ये बात बहुत ही कंफ्यूजिंग है क्योंकि हर बार अलग अलग लोग उस बुक को ले जाके शाम को ही लौटा देते हैं। इसे देख के होतारो भी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो ऐसे चीजों पे अपनी एनर्जी खत्म नहीं करना चाहता, बट इरू उसे सॉल्व करने के लिए जिद करती रहती है। तब वो उसे चुप होने कहता है क्योंकि वो लोग लाइब्रेरी में है। तब वो सोचता है कि शायद इससे इरू चुप हो जाएगी, लेकिन वो नहीं होती और उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उसे जिद करती रहती है। तो अब उसे मनाने में होतर की एनर्जी ज्यादा जाएगा तो वो उसे सॉल्व करने के लिए मान जाता है। और जैसे ही वो अपने दिमाग लगाना शुरू करता है तभी वो उन्हें कहता है कि इस किताब को कोई भी पढ़ने के लिए नहीं ले जाता क्योंकि इतनी बड़ी हिस्ट्री किताब को कोई इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकता। तो वो उनसे पूछता है कि इस किताब को और किस तरह से लोग यूज कर सकते हैं। इबारा कहती है कि शायद उसे कोई पिलो की तरह यूज करता होगा और सतोशी कहता है कि शायद उसे कोई सील की तरह यूज करता होगा और लास्ट में इरू कहती है कि शायद उसे कोई बॉडी बनाने के लिए वेट की तरह यूज करता होगा। उनके जवाब से होतारो परेशान होकर खुद ही सोचने लगता है कि इस बुक को किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो वो उसके लिए कुछ क्लूज एक साथ जोड़ने लगता है कि जो भी इस किताब को ले जाते हैं वो सभी लड़कियां हैं और सभी क्लास 2 के हैं, लेकिन उसे कोई भी अच्छा क्लू नहीं मिलता। तो इबारा उस पर हंसने लगती है और तभी इरू को उस किताब से अजीब सी स्मेल आती है तो उससे वो सूंघने लगती है, लेकिन इबारा को कोई भी स्मेल नहीं आती और इरू कहती है कि ये किसी पेन की तरह स्मेल कर रही है। तो तभी होतारो को एक आइडिया आता है और वो उसे कहता है कि उसे शायद जाके चेक करना चाहिए, लेकिन वो उसको भी अपने साथ जाने के लिए बुलाती है और वो उससे लड़के अपने एनर्जी को और खत्म नहीं कर सकता तो वो चुपचाप उनके साथ चला जाता है। तो वो उन दोनों को आर्ट क्लास में ले जाते हुए कहता है कि फ्राइडे को सिर्फ एक ही क्लास होता है और वो है आर्ट, जहाँ पे डिफरेंट सेक्शन की लड़कियां एक साथ आती है और वही एक जगह है जहाँ वो लड़कियां उस किताब को ले जा सकते हैं। लेकिन वो दोनों अभी भी कंफ्यूज है कि वो लोग भला उसे क्यों ले जाते हैं। तब होतारो कहता है कि ये तो उन्हें वहां जाके ही पता चलेगा। जब वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं तब वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि हर एक पेंटिंग में एक लड़की उस किताब के साथ पेंटेड है। वो लड़कियां उस किताब की खूबसूरत कवर की वजह से उसे अपने साथ पेंटिंग के लिए यूज करता है और क्योंकि किताब बहुत ही भारी है तो इसलिए उसे अपने साथ कोई भी ले जाना ही नहीं चाहती। तो इसलिए वो लोग किताब को लाइब्रेरी में वापस कर देते हैं। इसे देख के इबारा और इरू दोनों काफी इंप्रेस हो जाते हैं। जब वो लोग वापस लाइब्रेरी में आते हैं तब होतारो उन्हें साइड से बातें करते हुए सुनके सोचता है कि उसने ऐसा प्लान नहीं किया था। वो यहाँ पे फ्रेंड्स और मेमोरीज बनाने नहीं आया है, वो तो यहाँ पे बस कम से कम काम करके निकल जाएगा। लेकिन इरू फिर से उसे पकड़ के कहती है कि वो लोग अभी लाइब्रेरियन की वेट करेंगे क्योंकि उन्हें एंथोलॉजी चाहिए। फिर फाइनली लाइब्रेरियन आ जाती है और तब सतोशी अपनी और बाकियों को उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे एंथोलॉजी के बारे में पूछता है। तब वो कहती है कि सैडली वो एंथोलॉजी वहाँ पे नहीं है, लेकिन शायद वो किसी दूसरे रूम में हो सकते हैं। सिचुएशन के इरू थोड़ी सैड होती है, लेकिन सतोशी कहता है वो लोग एक दिन उसे ढूंढ ही लेंगे। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते। अगले दिन सुबह सुबह इरू होतारो को कॉल करके कहती है कि वो उसे कुछ अर्जेंटली कहना चाहती है और वो कल का इंतजार नहीं कर सकती। तो होतारो उसे मना करने की कोशिश करता है बट वो नहीं कर पाता। तो उस दिन वो शाम को वो एक कैफे में जाता है जहाँ वो कॉफी पीते पीते उसका इंतजार करता है क्योंकि वो लेट है। थोड़ी देर बाद इरू आके उसके साथ बैठ जाती है। तब वो उसे पूछता है कि वो उससे क्या बात
करना चाहती है, लेकिन उसे कुछ कहने के लिए इरु थोड़ी हेजिटेट करती है तो उससे परेशान होकर होतारू वहां से खड़ा होकर जाने लगता है। तभी वो उसे रोक के कहती है कि वो थोड़ी नर्वस है। तब वो उसे पूछता है कि वो फलक इस बात पे नर्वस है। तब इरु उसकी तरफ देख के कहती है कि वो उसे कुछ कॉन्फेस करना चाहती है। इसे सुनते ही हारू तो सरप्राइज होकर बैठ जाता है और उसकी दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे कहने वाली है कि वो उसे प्यार करती है। तब इरु थोड़ी इधर उधर की बातें करके मेन बात पे आती है कि उसे उसकी एक मिस्ट्री सॉल्व करने में मदद चाहिए। जब वो कहती है उसका एक अंकल था जो उनकी स्कूल में 45 साल पहले पढ़ता था। उसके टाइम में लिटरेसी क्लब का प्रेसिडेंट था और 7 साल पहले वो इंडिया में किसी काम से गया था, लेकिन उसके बाद उसके अंकल वहां से लापता हो गया। वो कहती है कि बचपन में वो और उसके अंकल हमेशा उसके साथ ही टाइम बिताते थे। इरु को थोड़ी थोड़ी याद है कि वो उसके अंकल के साथ पार्क में खेलने जाती थी। ये सब कहने के बाद वो मेन पॉइंट में आती है कि एक दिन वो अपने घर में खेल रही थी और तभी वो अपने अंकल से एक सवाल पूछी थी, लेकिन उसकी जवाब उसने इस तरह से दी थी जिससे वो डर के रोने लगी थी। और वो आंसर देने के बाद उसके अंकल भी सहत हो गया था और उसे उसके सामने रोते हुए देख के भी उसने कुछ भी नहीं किया। फिर उसकी मॉम जाके उसे अपने रूम में ले आई जहाँ उसे नींद आ गई और वो उस आंसर से इतनी डर गई थी कि उसने दोबारा उसने कभी भी उसे याद नहीं करी। कुछ दिनों बाद वो उसे भूल भी गई। तो वो इस वजह से होतारू से मदद मांगती है, लेकिन उसकी बात खत्म करने से पहले ही होतारू उसे मना कर देता है, क्योंकि वो रियलाइज करते है कि ये उसकी बचपन की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर उसे याद आ गई तो ऐसा हो सकता है कि उसकी लाइफ को देखने का नजरिया ही बदल जाए और वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। तो वो उसे खुद ही को याद करने कहती है या फिर अपने किसी दोस्त से मदद लेने के लिए सजेस्ट करता है। तब वो कहती है कि उसने ट्राई की थी बट वो नहीं कर पाई और उसने अपने स्कूल की स्टाफ को भी अपने अंकल के बारे में पूछी थी, लेकिन वहाँ कोई भी इतना पुराना नहीं है तो वहाँ से उसे कुछ भी जवाब नहीं मिली। और वो ये भी कहती है कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो किसी को भी अपने पास के बारे में बताएगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी इस पास के बारे में किसी को भी पता चले। और उसने उसे इसलिए मदद मांगी थी क्योंकि वो थोड़ा बहुत उसके अंकल जैसा ही है। तो तब होतारू कहता है कि उसके पास स्कूल में 3 साल है तो इतना टाइम काफी है किसी चीज को याद करने के लिए, लेकिन इरु कहती है कि वो उसके अंकल के फ्यूनरल से पहले ही उसे याद करना चाहती है, क्योंकि उसके अंकल की खबर 19 सालों से नहीं मिल रहे तो वो लोग से मृत घोषित करके उनके फ्यूनरल बहुत ही जल्द करवाने वाले हैं। तो इस वजह से वो उसकी बातों को याद करना चाहती है ताकि वो अपने अंकल को अच्छे से गुड बाय कह सके। ये कह के वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो उसे देख के होतारू कहता है कि ठीक है वो उसकी मदद करेगा, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तब इरु उसे थैंक्स कहती है। ये होने के बाद बहुत सारे दिन बीत के उनकी मिड टर्म एग्जाम भी आ जाते हैं, जिस वजह से सारे क्लब की एक्टिविटीज को बंद कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट अपने पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे सके। तो लिट क्लब भी बंद रहता है, तो इस वजह से वो इरु से नहीं मिल पाता, वो सातोशी से ही मिलता है क्योंकि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। इन दिनों वो सिर्फ स्कूल जाता है और घर आके पढ़ाई। ऐसे करते करते उसका फाइनल एग्जाम भी खत्म हो जाता है तो फिर वो सीधा घर आके अपने बेड में आराम करता है और तभी उसे अपने डेस्क में उसकी बहन की दी हुई एक लेटर दिखता है। तो वो उसे खोल के देखता है जहाँ उसकी बहन ने लिखी है कि वो अभी इस्तांबुल में है, वो किसी शहर में नहीं है बल्कि जापान की एम्बेसी में है क्योंकि उसके पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो वो उसे पूछती है कि क्या उसने लीड क्लब ज्वाइन की, अगर किया है तो क्या वहाँ पे और मेंबर्स भी ज्वाइन हुए। वो ये भी कहती है कि स्कूल फेस्टिवल आ रहा है तो उन्हें एक एंथोलॉजी बनाना चाहिए, क्योंकि जब से वो क्लब एस्टैब्लिश हुई है तब से उनकी एक ट्रेडिशन जैसा बन गया है। और साथ में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहती है जिससे उनके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कहती है कि पुराने एंथोलॉजी उन्हें लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगे, वो सब उन्हें केमिकल लॉकर में मिलेंगे जो उनके क्लब रूम में है। वो ये भी कहती है कि वो लॉकर लॉक नहीं है तो वो उसे खोल सकते हैं। इसे देख के होता बहुत ही अच्छा फील करता है क्योंकि अब उसे एंथोलॉजी को ढूंढने में ज्यादा एनर्जी खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो अगले दिन वो सभी क्लब रूम में मिलते हैं और होतारू वहां जाके देखता है कि अब उनके क्लब में इबारा भी ज्वाइन कर ली है। फिर वो अपनी बहन के लेटर के बारे में कहता है जिससे सुनकर सभी लोग खुश होकर लॉकर को ढूंढने लगते हैं, बट उन्हें लॉकर नहीं मिलता तो सभी लोग सोचते हैं कि आखिर वो लॉकर गया किधर। तब होतारू शांत होकर कहता है कि हर सीजन में क्लब की क्लासरूम को चेंज किया जाता है तो उनकी क्लासरूम को भी चेंज किया गया है। तो वो सभी जल्दी से स्टाफ रूम में जाके उन्हें पूछने की डिसाइड करते हैं, बट तभी होतारू उन्हें रोक के कहता है कि उसने पहले ही पूछ लिया है और वो रूम आज की बायोलॉजी क्लब है। तो वो दोनों लड़कियां उसे सुनते ही वहां निकल जाते हैं। तो उन्हें जाते हुए देख होतारू बैठ जाता है ये सोच के शायद वो लोग उसके बारे में भूल गए, लेकिन इबारा वापस आके उसे पकड़ के अपने साथ ले जाती है। जब वो लोग बायोलॉजी क्लब में पहुंचते हैं तब रास्ते में ही होतारू 200-300 बॉक्स को नोटिस करता है। फिर जब इरु दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तब वो दरवाजा बंद होता है तो वो अंदर आवाज देती है और तभी अंदर से एक लंबे बालों वाला लड़का निकल आता है और वो निकलते ही दरवाजे को बंद भी कर देता है। वो उन्हें कहता है कि वो लैब को करंटली न्यूज़पेपर क्लब के लोग यूज कर रहे हैं, बट आज वो अकेला है क्योंकि वहां कोई भी नहीं आया है। जब वो लड़के उसे पूछता है कि वो लोग यहां पे क्यों आया है तभी होतारू रियलाइज करता है कि उसकी
बॉडी से रूम फ्रेशनर की खुशबू आ रहा है। तो एरू कहती है कि वो लिट क्लब की प्रेसिडेंट है और वो वहाँ पे एक लोकर को ढूंढने आई है जहाँ उनकी एंथोलॉजीज है। तब वो कहता है कि वहाँ उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तब वो उसे कहती है कि शायद वो कहीं अंदर पड़ा होगा। तब वो लड़का कहता है कि उसे नहीं लगता और अभी रूम को उसने ले ली है तो वो लोग अभी उसे नहीं देख सकते। यह सुनते ही होतर वहाँ से जाने लगता है लेकिन इबारा से रोक के कहती है कि अगर उन्हें वो लोकर यहाँ नहीं मिला तो उन्हें पूरे स्कूल के क्लब में ढूंढना पड़ेगा। ये सुनते ही वो वापस मुड़ जाता है कि वो नहीं चाहता कि वो इतनी सारी एनर्जी को खर्च करे। तब एरू से कहती है कि ये एक क्लासरूम है तो वो लोग उसे देख सकते हैं। तब वो लड़का थोड़ी देर सोच के कहता है कि ठीक है वो लोग देख सकते हैं लेकिन उन्हें जल्दी से देख के वहाँ से निकल जाना पड़ेगा। तो फिर वो लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही होतर नोटिस करता है कि टेबल में पेपर्स पड़े हुए हैं और वहाँ पे एक रेडियो भी है और सारे खिड़कियां भी खुले हुए हैं और साथ में एक फैन भी खिड़की की तरफ चल रहा है। और जब वो लोग लॉकर को ढूंढने लगते हैं तब वो लड़का बहुत ही शांत होता है। तभी एरू कहती है कि वहाँ उन्हें वो नहीं मिला। इसे सुनकर वो लड़का थोड़ा रिलीफ फील करता है। तो तभी होतर उससे पूछता है कि क्या उन्होंने पुरानी चीजों को कहीं रख दी है। तब वो कहता है कि हाँ उन्होंने कुछ कार्डबोर्ड को दूसरी जगह ले गए थे। तब होतर कहता है कि उन्हें पूरे रूम को अच्छे से ढूंढना पड़ेगा क्योंकि रूम में बहुत सारी चीजें इधर उधर पड़े हुए हैं। जिसे सुनकर वो लड़का अचानक गुस्सा होकर कहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। तब होतर कहता है कि उसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो वो लड़का और भी गुस्सा होकर कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो लोग उसकी चीजों को हाथ लगाए। तो होतर फिर से उसे कहता है कि वो चीजों को अपनी जगह रख देंगे। जिससे वो बंदा बहुत ही डर जाता है और गुस्सा होकर उनको सबसे वहां से निकल जाने कहता है। जिसे देख के दोनों लड़के डर जाते हैं लेकिन होतर उसे देख के समझ जाता है कि वो कुछ छुपा रहा है। तो वो कहता है कि ठीक है वो लोग निकल जाएंगे पर वो उन्हीं के एक मेंबर को पूरे रूम को अच्छे से सर्च करने देगा। इसे सुन के वो लड़का बहुत ही डर जाता है। तो उसे देख के होतर कहता है कि उन्हें लाइब्रेरी में किसी काम से जाना है और वो लोग जल्द ही वापस आएंगे और उन्हें सिर्फ वो एंथोलॉजी चाहिए बस। और अगर इस टाइम में उसे वो एंथोलॉजी मिले तो वो उसे उनके क्लब रूम में जाके दे आए। जिसे सुन के वो लड़का बहुत ही गुस्सा होता है बट फिर वो कहता है कि ठीक है अगर उसे मिला तो वो वहां जाके रख देगा। तो होतर उन दोनों लड़कियों को बाहर ले जाके वहीं पे थोड़ी देर रुकने कहता है और जैसे ही थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में जाते हैं वो लोग देखते हैं कि एंथोलॉजिस्ट तो वही है। तो इबारा उसे देख के पूछती है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि ये एंथोलॉजिस्ट उसी के पास थे। तो वो उससे कहता है कि ठीक है वो उसे बताएगा लेकिन उसे ये बात किसी को भी नहीं कहनी। इबारा मान जाती है। तो होतर कहता है कि वहां जाते ही उसने दो इंफ्रारेड सेंसर देखा था जिसे देखते ही उसे थोड़ा शक होने लगा और जैसे ही वो लड़का बाहर आया था तब वो किसी चीज को रूम में छुपाना चाहता था। और जैसे ही वो सब रूम के अंदर गए थे तब उसने देखा था कि सारे खिड़की खुले हुए हैं और एक फैन खिड़की की तरफ चल रहा है जबकि वहाँ पे बहुत सारे कागज थे जो उड़ के बाहर जा सकते थे पर फिर भी उसने ऐसा क्यों किया। इसका मतलब वो रूम से हवा को बाहर निकालना चाहता था। तब इबारा पूछती है कि क्या वो वहाँ सिगरेट पी रहा था। तब होतर कहता है कि हाँ वो वहाँ पे सिगरेट पी रहा था और वो रेडियो उसे बाहर की सेंसर की सिग्नल देता है। वो एक बहुत ही जाना माना फैमिली से है तो अगर किसी को पता चला कि वो स्कूल में सिगरेट पीता है तब उसका खेल खत्म हो जाएगा। और वो कहता है कि शायद वो सिगरेट उसी लॉकर में थे जिस वजह से वो उन्हें वो लॉकर दिखाने से डर रहा था। तभी वहाँ पे सतोशी भी आ जाता है और तभी होतर देखता है कि इरू एक इशू को देख के बहुत ही सीरियस हो गई है। तो तब वो उसे देख के शायद में ले जाके दिखाती है कि उस इशू का नाम है हौका। तो वो उसे कहती है कि उसने इसी के बारे में अपने अंकल से पूछा था जिसके जवाब से वो डर गई थी। तब वो रियलाइज करता है कि 45 साल पहले कुछ तो हुआ था। तो होतर उस इशू को लेकर पढ़ने लगता है जहाँ लिखा है कि सिक्की के जाते हुए एक साल से ज्यादा हो गए हैं। वो सिर्फ एक हीरो बन के नहीं बल्कि एक लेजेंड बन के एक इंस्पिरेशन बना और उन सभी के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया तो उसे स्कूल की हिस्ट्री में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। तभी इरू अपने सर को पकड़ के कहती है कि वो सच के बहुत ही करीब है लेकिन वो उसके दिमाग में नहीं आ रही। तब होतर उस इशू को देखता है कि वो तो सेकंड इशू है तो वो इबारा को पहला इशू ढूंढने कहता है लेकिन इबारा कहती है कि वह तो पहला इशू है ही नहीं। जिसे सुन के इरू थोड़ी सैड होती है। फिर वो सभी घर जाने लगते हैं और तभी होतारो इरू से कहता है कि शायद उसे सातोशी और इबारा से भी मदद लेना चाहिए। तब वो कहती है कि वो बहुत सारे लोगों को अपना प्रॉब्लम शेयर करना नहीं चाहती। तो होतारो से पूछता है कि क्या वो उनको फ्रेंड्स नहीं मानती। तब वो अचानक रुक के कहती है कि वो कल उनको बता देगी। तो अगले दिन वो उन दोनों को अपना प्रॉब्लम बता देती है और सातोशी और इबारा दोनों ही इसको सपोर्ट करते हैं और 45 साल पहले क्या हुआ था इसको ढूंढना अपना मेन गोल बना लेते हैं। नेक्स्ट संडे वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग इरू के घर अपने अपने थ्योरीज बना के ले जाएंगे कि 45 साल पहले क्या हो सकता है। और होतर हमेशा की तरह आलसी बनके सातोशी का वेट करता है और तभी सातोशी दूर से सीला के उसके पास आता है और उसके बाद वो दोनों अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं जहाँ वो शहर से थोड़ी दूर कंट्री साइड में चले आते हैं। और रास्ते में ही होतर सातोशी से पूछता है कि क्या उसे अपने हाई स्कूल लाइफ में इतनी एनर्जेटिक बनके जीने में मजा आता है। तब सातोशी अपनी साइकिल को थोड़ा स्लो करके कहता है कि हाँ उसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है लेकिन वो जितना हो सके उतना हर चीज में खुशी ढूंढ के खुश रहने की कोशिश करता है।
तो होतारो अपनी लाइफ को देखने लगता है कि वो तो उससे बिल्कुल उल्टा है, जो किसी भी चीज पे मजा नहीं ढूंढता और उससे ज्यादा लोगों से मिलना भी पसंद नहीं है। जिसके बाद वो लोग एरू के घर पहुंच जाते हैं, जो काफी बड़ी है लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं कि वहां मैं मेरे उतना प्यार को रख सकूं जितना मैं अपनी सब्सक्राइबर से करता हूं। फिर सातोशी गेट पे पहुंच के सोचता है कि शायद उसे कोई क्यूट सा मेड आके अंदर ले जाएगी, लेकिन अंदर जाते ही वो दोनों मिलते हैं एरू से, जो उन्हें अपनी गेस्ट रूम में ले जाती है। और वहां चलते चलते वो दोनों देखते हैं कि उनकी घर तो काफी पुराने जमाने की है। जब वो दोनों उस रूम में पहुंच जाते हैं तब वो देखते हैं कि वहां तो इबारा पहले से ही बैठे हुए है। तो फिर वो सभी वहां जाके बैठ जाते हैं और फाइनली एरू अपनी मीटिंग को शुरू कर देती है और कहती है कि वो सभी एक एक करके अपनी थ्योरीज देंगे और बाकी के लोग सुन के अपने अपने ओपिनियंस देंगे। तो सबसे पहले एरू अपनी थ्योरीज बताएगी, तो वो अपनी बनाई हुई नोट को उन्हें दे के कहती है कि शायद 45 साल पहले जब उनकी स्कूल में स्कूल फेस्टिवल चल रहा था तभी उनके स्कूल में कुछ बदमाश लोग घुस गए थे और फिर वो लोगों से पैसे लेने लगे थे, जिसके बाद जब उसके अंकल ने उन्हें देखा था तब वो बाकी स्टूडेंट को लेके उनको भगा दिया। भगाते वक्त शायद उसने कुछ गुंडों को मारा था, जिसे टीचर के देखने के बाद उसे स्कूल से निकाल दिया। वो अपनी थ्योरी को खत्म करती है, जिसके बाद बाकी सब कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि उस तरह के फेस्टिवल 40 साल पहले शुरू हुए थे और उसके अंकल का खतना 45 साल पहले हुआ था। और सेकंड, उनकी स्कूल इस तरह की दुकान खोलने ही नहीं देता जहां वो लोग कुछ बेच के पैसे कमा सके ताकि स्टूडेंट के सर पे पैसा ना सरे। तो अगर उस टाइम में कोई भी ऐसा दुकान था ही नहीं तो कोई भला क्यों ही वहां पैसे लूटने आएगा। उनकी बातों को सुनके वो मानती है कि हाँ, उनकी बातों में पॉइंट तो है। फिर सातोशी और इबारा कहते हैं कि वो लोग वहां बैठे थक गए हैं, तो क्या वो बाहर जा सकते हैं, क्योंकि बाहर दिन भी काफी अच्छा है। तो फिर वो लोग बाहर जाते हैं और इस बार इबारा अपनी थ्योरी बताती है कि 45 साल पहले शायद उनकी स्कूल गवर्नमेंट के साथ लड़ाई की थी, क्योंकि वो लोग उनकी स्कूल को अपने कंट्रोल में लेके स्टूडेंट को मैनिपुलेट करके अपने लिए वोट बैंक बनाना चाहते थे, लेकिन शायद गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाए और सारे स्टूडेंट और टीचर मिलके उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। और उन सभी में शायद सिकी एरू के अंकल मेल लीडर थे, जिसके बाद जब गवर्नमेंट ने उसे देखा तो वो अपने पावर को यूज करके उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। सातोशी और होतारो दोनों उसकी थ्योरी को सुनकर कहते हैं कि हाँ, शायद ऐसा हो सकते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उसकी थ्योरी में कुछ लूपहोल्स भी है। लेकिन तभी सातोशी कहने लगता है कि उसे बहुत ही भूख लगा है, तो वो सभी किचन में जाते हैं जहां एरू उन सबके लिए खाना बनाती है, जिसके बाद वो लोग टेबल में बैठ जाते हैं। और इस बार सातोशी अपनी थ्योरी बताता है, वो कहता है कि उसकी भी थ्योरी बाकियों की तरह ही है और उसके हिसाब से 45 साल पहले गवर्नमेंट और स्कूल के बीच लड़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम में उनकी गवर्नमेंट काफी पीसफुल थे, और अगर ऐसा नहीं हुआ था तो इसका मतलब लड़ाई स्टूडेंट और टीचर के बीच हुआ था। शायद टीचर स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ाई में फोकस करने के लिए फेस्टिवल के दिन को कम करना चाहते थे, जिसके वजह से सारे स्टूडेंट गुस्सा हो गए और इसी बीच शायद सिकी ने किसी टीचर को पंच किया था, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया। तब होतारू कहता है कि अगर ऐसा होता तो उसके अंकल को वो लोग जुलाई में ही निकाल देते जिस महीने फेस्टिवल होता है, लेकिन उसके अंकल को अक्टूबर में निकाला गया था। तो इबारा और सातोशी कहते हैं कि इसके अलावा उनके पास और कोई भी थ्योरीज नहीं है, जिसके बाद सभी होतारू की तरफ देखते हैं। और तभी होतारू रियलाइज करते हैं कि उसने जो भी थ्योरी बनाया था उसको सभी ने डिस्कस कर ही ली, तो वो सभी उसे अपनी थ्योरी बताने के लिए फोर्स करता है, जिसके बाद वो खड़े होकर एरू से बाथरूम का रास्ता पूछता है। वहां जाते वक्त वो एक रूम को देखता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये शायद एरू की रूम होगी, और वो ये देख के थोड़ा बुरा फील करता है कि एरू इसके लिए बहुत ही मेहनत कर रही है, लेकिन उसने इसके लिए कुछ भी मेहनत नहीं करी। तो वो बाथरूम में जाके सोचने लगता है कि क्या वो कोई थ्योरी बना सकता है जिससे वो उस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। फिर कुछ देर बाद वो उनके पास आता है और वो आते ही कुछ पॉइंट्स बताने लगता है। पहला, उन्हें पता है कि उसके अंकल को अक्टूबर में निकाला गया था और लड़ाई जून में हुआ था, दोनों इंसिडेंट के बीच बहुत सारे महीने आते हैं। और सेकंड, लड़ाई स्कूल के अंदर हुआ था, इसका मतलब लड़ाई टीचर और स्टूडेंट के बीच था, और शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि टीचर स्टूडेंट से कुछ सीनना चाहते थे जो उन्हें बहुत ही पसंद है। और अगर वो लोग ध्यान से सोचे तो वो पता है कि स्टूडेंट को उनके हाई स्कूल में एक ही चीज चाहिए और वो है स्कूल फेस्टिवल, क्योंकि वही पर हर स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी को बिंदास होकर एक्सप्रेस कर सकता है, और शायद यही मेन वजह है लड़ाई का। उन्हें ये भी पता है कि पहले स्कूल की फेस्टिवल 5 दिन का हुआ करता था और अभी सिर्फ 3 दिन का होता है, तो शायद उस दिन कुछ हुआ था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। शायद तीसरे फेस्टिवल के दिनों को कम करना चाहता था, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट गुस्सा हो गए थे, जिसके बाद सारे मिलकर प्रोटेस्ट करने लगे और फाइनली वो सभी टीचर के साथ लास्ट में एग्रीमेंट भी करे, जहां टीचर्स वो नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। मेन लोगों में से एक था जो उन प्रोटेस्ट को लीड करता था, तो टीचर ने उसे देख लिया और ताकि वो आगे जाके ऐसा कुछ भी ना कर पाए इसकी वजह से सारे टीचर्स मिलके उसे स्कूल से निकालने का डिसाइड किया। लेकिन वो लोग उसे इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा किया तो सारे स्टूडेंट फिर से जाग जाएंगे, तो उन्होंने सब कुछ ठंडा होने का वेट किया और फिर अक्टूबर में किसी छोटी सी गलती की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया। वो शायद किसी हीरो की तरह स्कूल से निकल गया, जिसकी वजह से इशू नंबर 2 में उसे एज ए हीरो बताया गया है। हीरो सुसिन के शायद होकर कहती है कि
अब फाइनली उसे पता है कि उस टाइम में क्या हुआ था। और सातोशी और इबारा के पास भी उसकी थ्योरी के अगेंस्ट कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन इरू फिर भी सेटिस्फाई नहीं होती। तो वो होतारो से पूछती है कि अगर वो प्राउडली लेजेंड की तरह स्कूल से निकल गया था तो वो भला उसके जवाब से क्यों रोई थी। इसका जवाब होतारो के पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे थैंक्स कहती है क्योंकि अब वो मिस्ट्री सॉल्व हो गया है। जिसके बाद वो दोनों वहां से जाने के लिए निकलते हैं, जहां इरू होतारो को एक छतरी देती है क्योंकि बारिश शुरू हो गया है। फिर वो दोनों वहां से आने लगते हैं और तभी सातोशी होतारो को पूछता है कि उसने बहुत दिनों बाद उसे किसी चीज पे अफोर्ड करते हुए देखा है, तो क्या ये इरू की वजह से है। तो होतारो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत उनकी तरह जीना चाहने लगा है। वो कहता है कि जब उन तीनों को देखता है तब उन्हें देख के उसे कुछ करने का मन करता है। तो सातोशी जी पूछता है कि तो क्या वो सोचने लगा कि उनकी तरह से खुश होकर जीना एक्चुअल में बुरा नहीं है। तो होतारो कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ये कह के वो दोनों वापस साइकिल चला के घर जाने लगते हैं और ये वीडियो यही पे खत्म। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस और भी देखने हैं तो स्क्रीन में आए इस वीडियो को क्लिक करो।